Hello students, welcome to the class on economic survey. This is the fifth class on economic survey, volume 1, 2018. Now this class is on convergence. First of all, we will be understanding what is meant by convergence. And secondly, we will be understanding India and convergence. Convergence from the perspective of India. And thirdly, we will be understanding categorization of different countries with respect to convergence, and then is precautions and issue areas which the Indian economy should take into consideration in order to reach to this convergence. Now I have talked a lot, I have used this word convergence good number of times in the beginning itself. So pehle to hume ye samajhna padega ki ye convergence hai kya. Before we understand that, pehle hisse mein lecture ke, I would like to summarize this entire लेक्चर. ये लेक्चर है किसके बारे में, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस लेक्चर. नाउ कन्वर्जेंस, इट इज अबाउट हाउ द डेवलपिंग कंट्रीज, हाउ द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, हाउ द लो इनकम कंट्रीज एंड हाउ द अपर मिडिल इनकम कंट्रीज आर अटेनिंग द ग्रोथ सो दैट this particular growth that they are attaining can help them to mainstream with the high income countries. So convergence is about converging with the high income countries. Kuch desh hain jo bahut ameer hain, kuch desh hain jo gareeb hain, aur gareeb ki kuch categories hain, low income hai, middle income mein do category banaya gaya hai is chapter mein. To broadly puri duniya ko char hisson mein baant diya gaya hai is chapter mein. एंड ये एनालिसिस किया गया है कि जो गरीब देश हैं, जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वो किस तरह कन्वर्जेंस की ओर मूव कर रहे हैं, किस तरह वो अमीर देश जो उनका डेवलपमेंट लेवल है, जो उनका पर कैपिटा इनकम का लेवल है, उसको अचीव कर पाएंगे. ये चैप्टर उसके बारे में है. एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो अबाउट हाउ इंडिया विल बी अटेनिंग दैट कन्वर्जेंस लेवल. कब इंडिया अटेन करेगा वो कन्वर्जेंस, और कौन से इशूज हैं जो इस कन्वर्जेंस को ब्लॉक कर रहे हैं. सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग. सो प्राइमरली कन्वर्जेंस मीन्स द ग्रोथ रेट दैट द कंट्रीज, दैट द डेवलपिंग कंट्रीज विल बी अचीविंग, एंड दैट ग्रोथ रेट विल हेल्प देम टू कन्वर्ज विद द हाई इनकम कंट्रीज. सो कन्वर्जिंग विद द हाई इनकम कंट्रीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड कौन कौन से देश हैं जो कन्वर्ज करेंगे. उसका कैटेगराइजेशन दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में. पहला कैटेगरी तो है लो इनकम कंट्रीज. नो व्हाट इज मेंट बाय लो इनकम कंट्री. ना लो इनकम कंट्रीज आर दोज कंट्रीज जिनका जो जीडीपी है इट इज लेस देन 5% The GDP of USA. तो पहला कैटेगरी इन देशों का एनालिसिस किया गया कि ये देश कितनी तरक्की करेंगे, कितना ग्रोथ रेट अचीव करेंगे और कब कन्वर्ज होंगे. मीन्स पर कैपिटा इनकम इनका यूएसए के लेवल का कब अचीव हो जाएगा. सेकेंडली, सेकेंड कैटेगरी दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे इज लोअर मिडल इनकम कंट्रीज. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोअर मिडल इनकम कंट्रीज. एंड थर्डली, तीसरा कैटेगरी है अपर मिडल इनकम कंट्रीज. एंड द फोर्थ इज हाई इनकम कंट्रीज. तो चार तरह के देशों को डिवाइड किया गया है इस चैप्टर नंबर 5 में एनालिसिस करने के लिए. और मेन इशू एनालिसिस का क्या है कि ये लो इनकम कंट्रीज कब हाई इनकम में कन्वर्ज हो जाएंगे, कब इनका पर कैपिटा इनकम हाई इनकम कंट्रीज के ऊपर चला जाए. अब हाई इनकम कंट्रीज कौन कौन सी हैं? हाई इनकम कंट्रीज वो हैं जिनका पर कैपिटा यूएसए के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा, जिनका जीडीपी, जिनका पर कैपिटा इनकम यूएसए से ज्यादा रहेगा. Those countries. And the lower middle income countries, ये वो हैं जो 5% से लेके 15%
ऑफ द जीडीपी जिनका है, जिनका पर कैपिटा इनकम भी 5% टू 15 जीडीपी के अंडर फॉल करता है, ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज वो हैं। जिनका 15% से ऊपर करता है टिल द लेवल ऑफ यूएसए, इट इज अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। सो इट इज एक्चुअली अबाउट, दिस चैप्टर इज एक्चुअली अबाउट एनालाइजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्रीज। नाउ वर्ल्ड ओवर व्हाट वी हैव सीन, अगर हम एनालिसिस करके चलें 2017 में, अगर हम देखें 2017 अगर तक हम देखते हैं, तो बहुत सारे गरीब देश ऐसे हैं जिनका ग्रोथ रेट यूएसए से ज्यादा था। नाउ आउट ऑफ 153 कंट्रीज दैट हैज बीन स्टडीड फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स इन द इकोनॉमिक सर्वे, देयर हैज बीन गुड नंबर ऑफ कंट्रीज इन द रेंज ऑफ मोर देन 65 कंट्रीज हमारे पास ऐसे हैं जिनका ग्रोथ रेट यूएसए से ज्यादा था, और यूएसए से एवरेज ग्रोथ रेट 1.7% ज्यादा था। तो ऐसे कंट्रीज कुछ सालों के बाद, जब उनका ग्रोथ रेट 1.7% ज्यादा है, कुछ देर के बाद, पहले तो वो लो इनकम कंट्रीज होंगे, फिर वो मिडिल इनकम में आ जाएंगे, फिर वो अपर में आ जाएंगे, फिर वो हाई इनकम कंट्रीज में आ जाएंगे। सो दिस इंटायर एनालिसिस हैज बीन डन इन दिस चैप्टर ऑन कन्वर्जेंस, एंड दिस चैप्टर इज मोर ऑन कन्वर्जेंस स्टॉल। बिकॉज अगर कन्वर्जेंस का फिनोमेना अंडरस्टैंड किया जाए इंडिया के परस्पेक्टिव में, इंडिया वॉज पार्टी टू दिस कन्वर्जेंस फिनोमेना। ये कैसे कहा जा सकता है, अगर 1960 का, अगर 1960 का हम अंडरस्टैंड करते हैं इंडिया को, 1960 में जो पर कैपिटा इनकम है हिंदुस्तान का लगभग $1,000 के करीब था। वही इनकम अगर हम आज एनालिसिस करते हैं, 2008 में एनालिसिस करते हैं, तो 2008 में ये पर कैपिटा इनकम लगभग $6,500 के करीब आ गया है। इट इज $6,500 प्लस मोर नंबर ऑफ डॉलर्स, लगभग इतना टेंटेटिव फिगर इतना है, द क्लोज फिगर इज $6,500। सो व्हाट वी हैव सीन इज देयर हैज बीन अ इंप्रूवमेंट। पहले जो पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान का था, इट यूज्ड टू बी जस्ट 6% ऑफ व्हाट वाज द इनकम अर्नड बाय द पीपल इन यूएसए इन 1960। उसका सिर्फ 6% हमारा एक हिंदुस्तानी कमाता था जो एक अमेरिकन कमाता था, बट आज की डेट में वो हम चेंज कर गया है। आज की डेट में एक हिंदुस्तानी एक यूएसए के सिटीजन के अकॉर्डिंग, यूएसए के सिटीजन के अकॉर्डिंग 12% पैसा कमा रहा है। 12% इज द इनकम दैट इज अर्नड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया इन कंपैरिजन टू यूएसए। सो इफ द यूएस सिटीजन विल बी अर्निंग $100 इन दैट कंपैरिजन, इंडियन सिटीजन विल बी अर्निंग 12। अर्लियर ही वॉज जस्ट अर्निंग $6। सो देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट, देयर हैज बीन कन्वर्जेंस। नाउ व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट मोर नंबर ऑफ पीपल दे आर एक्चुअली ज्वाइनिंग द मेन स्ट्रीम। जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो डेवलपमेंट है, उसको अचीव कर पा रहे हैं। सो दिस फिनोमिना इट हैज हेल्प्ड गुड नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारे देशों को इसने हेल्प किया है। बहुत सारे देश हैं जो डेवलप हो चुके हैं कन्वर्जेंस की वजह से। और कन्वर्जेंस कैसे हुआ है, कन्वर्जेंस हुआ है क्योंकि उन लोगों ने एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा किया कुछ देशों ने। Now we have the example of Japan, we have the example of China. Now these countries, they have been able to achieve and they have been able to come to this bracket of upper middle income countries and high income countries because of this sheer growth in the export. Har saal mein 15%, 15% se leke 20% growth rate raha hai for countries like Japan and China. And it is these countries that have helped this convergence phenomena to unfold. But we also have lower income countries who have been able to join this club of lower middle income countries. But what is this chapter about? पहले तो categorization किया है, और जो convergence का phenomena है, because India किस category में है? India is trying to come into this upper middle income country. We are in lower middle income country. But upper middle income country में अगर हिंदुस्तान को पहुंचना है, अगर इंडिया को इस कैटेगरी को ज्वाइन करना है जहां पे 15% से ऊपर पर कैपिटा इनकम एक इंडियन का हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द यूएसए, मींस इट विल बी इन द रेंज ऑफ 30% 20 वट एवर इट माइट बी, वहां पे उस लेवल पे हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, हाउ कैन वी अचीव दैट लेवल। नाउ दिस चैप्टर एक्चुअली टॉक्स अबाउट 4 डिसुएडेशंस। वो कहता है कि 4 स्टंबलिंग ब्लॉक्स हैं जो रोक रहे हैं हिंदुस्तान को
अपर मिडिल इनकम कंट्री बनने के लिए. तो व्हाट आर दोज स्टंबलिंग ब्लॉक्स? पहला स्टंबलिंग ब्लॉक जो डिस्कस किया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टंबलिंग ब्लॉक, कि हिंदुस्तान में एक चीज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? अनदर इज एंटी ग्लोबलाइजेशन फिनोमेना. एंटी ग्लोबलाइजेशन फिनोमेना. एंड थर्डली दे हैव डिस्कस्ड अबाउट द एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल. एंड फोर्थली दे हैव डिस्कस्ड दिस क्लाइमेटिक चेंज. तो चार चीजों का एनालिसिस किया गया है इस चैप्टर में, जो हिंदुस्तान को रोकेंगे इन ऑर्डर टू बिकम एन अपर मिडिल इनकम कंट्री. एक तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक एंटी ग्लोबलाइजेशन का वेव जो शुरू हो गया है, एक एजुकेशन है, एक ये है. नाउ बिफोर वी डिस्कस कि ये चार जो चीजें हैं जो हिंदुस्तान के ग्रोथ रेट को रोकेंगी, उससे पहले मैं एक चीज को और समझना है डिटेल में. नाउ वो चीज क्या है? दैट थिंग इज अबाउट, अगर हम जनरली ग्लोब में देखें, पूरे दुनिया को अगर देखें, तो 1980 से हमारे पास तीन तरह के पीरियड चल रहे हैं बेसिकली कन्वर्जेंस को लेके. 1980 से लेके अगर हम 97 तक देखें, फ्रॉम 1980 टू 1978 वाज अ पीरियड ऑफ डाइवर्जेंस. अभी डाइवर्जेंस का क्या मतलब है? ना, डाइवर्जेंस का ये मतलब है कि जो अमीर देश है और जो गरीब देश है उनके बीच में गैप बढ़ गया था. ये एक वो पीरियड है 1980 से 1997 तक का. अगर 1998 से लेके 2008 तक हम देखें, दिस वाज अ पीरियड ऑफ कन्वर्जेंस, जिसमें बहुत देश, खास करके ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड देन चाइना देन जापान, दे हैव मूव्ड क्लोजर टू द हाई इनकम कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज ऑफ फ्रांस ऑफ जर्मनी नॉर्वे. दे हैव कम क्लोज टू दीज कंट्रीज, जापान चाइना, दे हैव कम क्लोज टू दीज कंट्रीज. नाउ फ्रॉम 2008 वी आर विटनेसिंग अ न्यू काइंड ऑफ अ फेज इन द ग्लोबल इकॉनमी. 2008 से लेके आज तक 2018 तक वी आर करंटली इन द फेज ऑफ लेट कन्वर्जेंस. तो तीन तरह का फेज रहा है, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड लेट कन्वर्जेंस. अभी लेट कन्वर्जेंस का क्या मतलब है और लेट कन्वर्जेंस का पीरियड हमने क्यों डिवाइड किया है? 2000 का एक ऐसा पीरियड है जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस. 2008 में हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था खराब हो गया इसमें 2008 में. उसके बाद में क्योंकि हिंदुस्तान जैसे देश जो थे वो कन्वर्जेंस की ओर मूव कर रहे थे, उनका ग्रोथ रेट ज्यादा था. बट 2008 के बाद देर हैज बीन सर्टन स्टम्बलिंग्स, जिसकी वजह से जो कन्वर्जेंस है वो एक प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो गया है. 2008 के बाद जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है पूरा ग्लोबल इकोनॉमी का, वो भी डिक्लाइन हो गया है. बिकॉज देर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट ग्लोबली, तो इंडिया के कुछ चैलेंजेस आ गए हैं कि अब इंडिया का जो कन्वर्जेंस है वो कहीं स्टॉल तो नहीं हो गया है. स्टॉल का क्या मतलब है? स्टॉल मीन्स स्टॉप. वेदर द कन्वर्जेंस है स्टॉल्ड और स्टॉप्ड और नॉट, क्या वो कन्वर्जेंस रुक गया है कि नहीं रुका है? वो कन्वर्जेंस रुका नहीं है, सर्टनली स्लो हो गया है. बट वो कन्वर्जेंस ना रुके इसके लिए हमें चार चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकॉनमी. बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो कन्वर्जेंस की ओर मूव कर रहे थे, कन्वर्जेंस की ओर अब तब मूव करते हो जब आपका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन सही रहता है. मींस फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद प्राइमरी सेक्टर के बाद आप अपना सेकेंडरी सेक्टर बहुत डेवलप करते हो, सेकेंडरी सेक्टर के बाद आप अपना टर्शरी सेक्टर डेवलप करते हो. बट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जिनका एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, उनका एक जंप कर गया टू द टर्शरी सेक्टर, तो हमने ज्यादा फोकस सर्विस सेक्टर के ऊपर कर दिया है. जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारा बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया है. तो जो पीक हमने अचीव किया है, जो ग्रोथ रेट हमने मैन्युफैक्चरिंग में अचीव किया है, वो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं है. अगर आप चाइना का कंपैरिजन करो 1980 से
अगर 1980 से देखा जाए चाइना का कंपैरिजन करके, तो 53% उनका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुआ है इस फेज में। अगर उसी कंपैरिजन में हमने इंडिया का करें, इंडिया का सिर्फ 20% की रेंज में ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग ग्रो किया, तो बहुत बड़ा गैप है। 25-30% हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम ग्रो किया है, एंड बिकॉज हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कम ग्रो किया है, सो दैट इज क्रिएटिंग अ बिग ट्रबल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारा नहीं ग्रो हो पाया। और मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ज्यादा प्रोडक्टिविटी मींस ग्रोथ के ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं मींस कन्वर्जेंस और ज्यादा तेज होगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो देशों का है, इसका एक और मीनिंग है कि वी हैव मूव्ड टूवर्ड्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन अचीव नहीं किया हाई पीक पे, और सीधा ही हम सर्विस सेक्टर में चले गए हैं। इंडिया इज नॉट गुड इन मैन्युफैक्चरिंग, और उसी की वजह से हमारा कन्वर्जेंस वो स्टॉल हो सकता है। सो इंडिया एक्चुअली रियली नीड्स टू गिव अ पुश टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी वजह से जो कन्वर्जेंस स्टॉल की हमें टेंशन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोडक्टिविटी का बहुत सेक्टर है, लो प्रोडक्टिविटी नहीं है। एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी है, हमने लो प्रोडक्टिविटी से हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर की ओर मूव करना है, और हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इन कंपैरिजन टू दैट, सर्विस सेक्टर इज नॉट दैट प्रोडक्टिव इन नेचर। सर्विस सेक्टर का प्रोडक्टिविटी कम है इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जो हमने लीप ले लिया, एक बहुत गलत लीप है ये, इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज कर गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया है इसकी वजह से, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं किया। और दूसरा जो कारण है जो हमारी ग्रोथ रेट को स्टॉल कर सकता है, कन्वर्जेंस को रोक सकता है, वो है एंटी ग्लोबलाइजेशन वेव। अगर 2008 से पहले देखें तो ग्लोबलाइजेशन हैड टच्ड वेरी हाई पेडेस्टल्स, क्योंकि बहुत हाई पेडेस्टल को ग्रोथ रेट ने टच किया है, एंड दैट वाज द रीजन दैट वी हैड सीन द कंट्रीज लाइक कोरिया, जापान एंड चाइना, इवन कोरिया इज इंक्लूडेड हियर। So these countries, they have been able to achieve high growth rate, and because of that, they have been able to tryst with this convergence phenomena. But Hindustan mein ab kya hai? Because jitne bhi bade desh hain, like you take the case of China, you take the case of USA, because they have already reaped the benefits of this globalization. Ye jo globalization ka wave raha hai, ab wo globalization ko utna pasand nahi kar rahe hain. अब वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म की ओर मूव कर रहे हैं। जितना ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म होगा उतना ज्यादा कम ट्रेड होगा, उतना कम एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी होगा। जितना कम एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी होगा उतना कम ग्रोथ रेट एक देश का होगा, जितना कम ग्रोथ रेट होगा उतना कम चांसेस कन्वर्जेंस का होगा। सो इंडिया रियली नीड्स टू फाइट विद दिस चैलेंज ऑफ एंटी ग्लोबलाइजेशन दैट इज करंटली प्रसिस्टिंग एट द ग्लोबल लेवल। USA had taken an exit from Trans-Pacific Partnership, and China is toying with the idea of cherry-picking the nations with respect to conducting its economic activity. So these are some of the reasons why this anti-globalization can actually stall or stop this convergence of India, because it's the export that will guide India's growth in the future. And thirdly, very important thing that has been dealt in a lot of detail in this chapter is about the education level of the middle income countries, the lower middle income countries. Because the next generation that is currently unfolding, it will require a very, very skilled labor. Because it will require a skilled labor, it will require a very high education level from the labor that will be joining the employment spree, means वो नौकरियां लेने के लिए जो भी लोग आएंगे अब, उनके पास एक skill requirement बहुत अच्छा चाहिए। But economic survey ने बताया है कि अगर 20th century का देखा जाए gap between rich countries and middle income countries and even poor countries, तो gap actually कम था, वो अब gap बढ़ गया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो learning capacity है, जो gaining skill capacity है of the labor class, of the human resource, हम human को एक resource नहीं बना पाए हैं, because human को resource बनाने के लिए उसको skill सिखाना पड़ेगा, उसके पास reading skill होना चाहिए,
But this thing has been highlighted by economic survey. दो boxes बनाए गए economic survey में. एक box में उन्होंने deal किया है poverty with respect to literacy count. Poverty literacy count. And secondly, it is about poverty literacy gap. दो चीजों का analysis किया गया है education में. Now what is poverty literacy count? The poverty literacy count means that the students of a particular class are not able to achieve the standard of education that they should actually be achieving. आज की डेट में हिंदुस्तान में हमने एजुकेशन के स्टैंडर्ड का बात करना शुरू कर दिया है. उससे पहले हम स्टैंडर्ड का बात नहीं करते थे. उससे पहले में हमारा मेन फोकस क्या था? Our main focus was कि सब लोग एटलीस्ट स्कूल आना शुरू करें, क्योंकि एनरोलमेंट रेशो बहुत कम था पहले इंडिया में. वी हैव बीन एबल टू अचीव द एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स आ तो रहे हैं स्कूलों में. नाउ दे हैव बीन एबल टू कम टू द स्कूल, बट अभी हमने उसका लर्निंग को इंक्रीज करना है, बिकॉज इट इज द लर्निंग दैट एक्चुअली मैटर्स. सिर्फ कुछ चीजें सीखने थे, सिर्फ लिटरेट होने से वी विल नॉट बी एबल टू बिकम अ रिसोर्स दैट वी शुड बी. Because without the literacy becoming the human resource, convergence nahi ho payega. So, this year's economic survey has highlighted two things. Poverty literacy count and poverty literacy gap. 25% aap dur hain standard se with respect to reading. Agar rural youth ka baat kiya jaye, rural primary education ka baat kiya jaye. And 25% se lagbag hi dur hain students. Means, unko 25% और वर्क करना पड़ेगा. क्षमता उनकी 25% कम है रीडिंग को लेके, और 25% के करीब उनकी क्षमता कम है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड को लेके. जब तक हम एप्टीट्यूड के ऊपर वर्क नहीं करेंगे पॉपुलेशन के, जब तक हम उनकी लैंग्वेज और रीडिंग के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस कन्वर्जेंस एस्पेक्ट. तो अभी तक तीन चैलेंज देखे हमने. एक तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और एक ग्लोबलाइजेशन को फाइट करना है, एक्सपोर्ट करना है हिंदुस्तान को बहुत, तभी ग्रोथ हो पाएगा, तभी कन्वर्जेंस हो पाएगा. और तीसरा, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए जो स्टूडेंट्स को रियली स्किल्स दे पाए. विदाउट द स्किल्स हम एक ऐसा जनरेशन पैदा करेंगे जो पढ़ा लिखा तो होगा बट काम करने लायक नहीं होगा. तो चौथा जो बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बन सकता है कन्वर्जेंस को लेके, दैट इज क्लाइमेटिक चेंज. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पे कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी नहीं लेके आएंगे, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, आपका प्रोडक्टिव नहीं होगा, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे. जब तक आप पैसा नहीं कमा पाओगे, आप एग्रीकल्चर को छोड़ के किसी और सेक्टर में उस पैसे को नहीं लगा पाओगे. जब तक आप दूसरे सेक्टर में नहीं लगाओगे पैसा, क्योंकि एग्रीकल्चर लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है. टिल 2050 अगर 2050 में देखा जाए, तो टेंटेटिवली सिर्फ लगभग 20% ही पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रहेगी, जो कभी 70% होती थी, और आज के दौर में अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड देयर. तो उसको 20% करने के लिए एग्रीकल्चर को, क्योंकि इतना कम पॉपुलेशन रहेगा, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है कि आज वो प्रोडक्टिव हो. आज प्रोडक्टिव होगा तो पैसा कमाया जाएगा, पैसा कमाया जाएगा तो कहीं और जगह लगाया जाएगा दूसरे सेक्टर में. तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी डाउन आ रहा है. पिछले 30 साल से हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर में सिर्फ 3% ग्रोथ हुआ है. And it is abysmal. It is a very low level of growth rate in the agriculture. अगर इतने प्रतिशत से हम ग्रो कर पाए, तो हम जितना हिंदुस्तानियों को खाना चाहिए, इंडियन सिटीजन्स को रिक्वायरमेंट रहेगा फूड का, वो भी हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे स्पेस से. एंड मोर ओवर देर आर चांसेस कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से 20-25% हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी गिर सकता है, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है. तो उसकी वजह से जो कन्वर्जेंस है वो हमारा स्टॉल हो सकता है, रुक सकता है. बहुत लंबे समय तक हम पर कैपिटा इनकम को अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमें एक्चुअली चाहिए. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्लास. यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल.
Now, name of the channel is Brainy IAS. You have any sort of query on this specific class, you can WhatsApp me at my number 8459400000. And you can also join our offline classes in Delhi and in Chandigarh. And you can also buy our online class packages. Means the videos that we record in the form of DVDs, tablets, and pen drive. So this was all for the day. Bye-bye. Take care. Have a nice day.